हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले क्लास टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए मैथ में एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो दोस्तों, 2023 के एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसी तरह का यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो www.studybit.in पर जाकर बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का लिंक नीचे भी दिया गया है, वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन आपका सामने है कि -4 और -6 किस चतुर्थांश में होंगे। क्या है कि -4 और -6 किस चतुर्थांश में होंगे। तो अब यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है। ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये माइनस और प्लस होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है दोनों, है ना। और ये आपका क्या है, प्लस और माइनस, ये क्या है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे कि -4 और -6 किस चतुर्थांश में शामिल होंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, देखिए यहाँ पे -4 और -6 यानी दोनों माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 cot² θ का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि cosec² θ माइनस cot² θ बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो और अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, 1 cot² θ निकालना है। तो क्या हो जाएगा, cosec² θ बराबर क्या हो जाएगा, 1 cot² θ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, cosec² θ बराबर क्या हो जाएगा, 1 cot² θ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 490 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास निकालें। वृत्त का क्षेत्रफल 490 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, πr² होता है। तो यहाँ पे 490 है वृत्त का क्षेत्रफल, तो 490 बराबर πr², तो यहाँ पे 490 बराबर क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुणे आर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा कि 11 × 22 और यहाँ पे 245 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 245 गुने 7/11। आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, d/2 होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका d/2 का स्क्वायर है ना, d/2 का स्क्वायर बराबर क्या था आपका, यानी 245 गुने 7/11। तो d बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 भी नहीं होगा आपका, 14 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 8 sec² θ माइनस 8 tan² θ बराबर होगा, क्या हो जाएगा, 8 sec² θ माइनस 8 tan² θ बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो इसमें देखिए 8 यदि कॉमन ले लेते हैं, sec² θ माइनस 10² θ, है ना। अब यहाँ पे तो देखिए sec² θ माइनस 10² θ बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 8 × 1, तो क्या हो जाएगा आपका, 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि cos² 48° माइनस sin² 42° का मान क्या होगा। cos² 48° माइनस sin² 42° का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि क्या होता है कि cos² sin² θ sin (90° माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos θ होता है। तो यहाँ पे देखिए cos है, तो इसको भी हम cos के टर्म में लाएंगे। देखिए यहाँ पे
क्या है, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 42 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी ए की तीनों भुजाओं को अंतःस्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं, किसी ए के तीनों भुजाओं को अंतःस्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, अंतःवृत्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाले, क्या है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं दो वृत्त के त्रिज्या मतलब क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई आर का पहला आर है यदि हम ए मान ले तो ए का स्क्वायर, और दूसरा आर यदि हम बी मान ले तो पाई बी का स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पहिए की त्रिज्या 7 मीटर हो तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी, एक पहिए की त्रिज्या 7 मीटर है तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। तो हम जानते हैं कि देखिए पहिया जो लगाता है चारों चक्कर लगाता है वृत्त के लगाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि निकालेंगे। पहिया क्या होता है, गोलाकार होता है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका हम परिधि निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम पहिए का परिधि बोल सकते हैं या वृत्त का परिधि बोल सकते हैं, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, 2πr। तो अब यहाँ पे 2 × π का मान क्या होता है, 22/7 गुने आर का मान क्या है आपका, 7 है, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22×44। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा, 44 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 9 में है, 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक क्या होगा, है ना, तो बहुलक निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 2 है 3 है 5 कितना है, 3×5 है। अब इसके बाद 7 है और 8 है। हम जानते हैं बहुलक में वैसा आंकड़ा जिसमें क्या होता है, जिस पद का सबसे ज़्यादा बार आया हो, बारंबारता अधिक हो, तो बारंबारता मतलब 5 क्या है, 3 बार आया है, तो क्या हो जाएगा आपका, बहुलक 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। तो बहुलक मतलब क्या होता है, वैसा आंकड़ा जिसमें जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो वही क्या होता है, बहुलक कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।